यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम अब भारत में लागू हो चुका है। केंद्र की मोदी सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सीएए नियम लागू कर विपक्ष को चौंका दिया है। इस कानून के लागू होने के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। इस कानून के लागू होने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पोस्ट आया तो वही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस कानून के लागू होने पर कहा कि अगर कोई भेदभाव हुआ तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ नागरिकता अधिनियम लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मनुष्यता को आघातित करने वाले इस मानवीय निर्णय हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार एवं माननीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत की नागरिकता प्राप्त करने जा रहे सभी भाइयों बहनों का हार्दिक अभिनंदन। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़ क्यों चले गए थे। चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही होगा और फिर केयर फंड का भी। आपको बता दें कि पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संकेत दिए थे कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि बीजेपी के साल 2019 घोषणा पत्र में नागरिकता संशोधन कानून एक अभिनन अंग था, जो इसे बीजेपी ने लागू कर दिया। सीएए संसद के दोनों सदनों से 11 दिसंबर 2019 में पारित किया गया था और इसके एक दिन बाद राष्ट्रपति की ओर से इसे मंजूरी दी गई थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो से जुड़ा अगर कोई भी सवाल हो वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन।